नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा के हसनपुर में मंडी व्यापारी व ट्रक ड्राइवर के बीच खरबूजे की बिक्री को लेकर जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने मेडिकल के लिए भेज दिया है, जहां से 2 लोगों को रेफर कर दिया गया। शुक्रवार की सुबह नगर की नवीन मंडी परिसर में क्षेत्र के गाँव दाऊदपुर जागीर निवासी अमित चौहान व उनके भाई लोकेश चौहान पुत्रगण शिव किशोर अपनी आड़त पर बैठे खरबूजे बेच रहे थे, तभी दूसरी तरफ से खरबूजा भरी गाड़ी लेकर संबल जनपद के रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव पवारी निवासी फिरोज अली पुत्र अफसर अली ट्रक चालक पहुंच गए, जहां खरबूजे के रेटों की बिक्री को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 2 व्यापारी समेत ट्रक ड्राइवर भी घायल हो गया। कोतवाली पहुंचे दोनों पक्षों ने कार्रवाई की मांग की, जहां कोतवाली पुलिस ने घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए सरकारी चिकित्सालय भिजवा दिया, जहां से उपचार के दौरान 2 लोगों को गंभीर हालत के चलते जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। क्या मामला है? झगड़े मामला ऐसा था कि कोई दिक्कत नहीं, जो ड्राइवर ठीक है नहीं, जो चलाना मात्र की संगा ठीक आया, बाद में हमें पता नहीं, हम अपने काम में सुबह के बाद 6 बजे ठीक है नहीं, हमने मतलब क्या तो लोहे के अंदर पिछले एकदम मारते नहीं, फिर मैं किसान से घर में भी आपको पूछना बैठा, मैं क्या मतलब किसान था ना काम से हमारे काम ठीक वो आया झटका के पीछे से एकदम से मार दिया, फिर मार के भाग लगा, जब फिर पता नहीं छूट लगा एकदम। कितने लोग घायल हैं इसमें? घायल हमारे से 3 लोग घायल हैं, उसके से जो 3-2 जने थे भाग गए। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा हवन कर प्रसाद का वितरण किया गया। उसके बाद नगर के मुख्य मार्गों पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का नगर के कई स्थानों पर स्वागत किया गया। शुक्रवार को भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रातः ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण बंधुओं के द्वारा हवन का आयोजन किया गया, जिसके बाद प्रसाद का वितरण भी हुआ। शाम 5 बजे भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा का शुभारंभ पुलिस क्षेत्राधिकारी दीप कुमार पंत व मास्टर सुंदर शर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। शोभा यात्रा में लगभग 1 दर्जन से अधिक झांकियां नगर वासियों का मन मोह रही थी। वहीं शोभा यात्रा में सम्मिलित इस्कॉन मंडली आकर्षण का केंद्र बनी रही। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।